मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, मैं आपको कॉल बैक करूँ थोड़ी देर में, प्लीज। ओके ओके, थैंक यू, बाय। नवीद, नवीद, बन जा रहा है। कहां से लाऊं मैं पैसे? हर वक्त पैसे का रोना रोती रहती हो, कुछ कनात करना सीखो। खानदान में एक दो शादियां आ रही हैं, कुछ देना दिलाना होगा। मेरे हाथ में कुछ तो पैसे होने चाहिए ना। हाँ, सारे पैसे तुम्हारे हाथ में दे दूं ताकि तुम दो दिन में उन्हें लुटा दो। और कोई जरूरत नहीं है ये शादियों पे खर्च करने की। जरूरत पड़ती है सगीर, कुछ तो पैसे दे दे मुझे। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ बताओ मुझे, मैं ले आऊंगा। हम दूसरों के बच्चों की शादियों में कुछ देंगे तो वो लोग फिर हमारे बच्चों की शादियों में हमारा ख्याल रखेंगे। मुझे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, सब जानता हूं मैं। और घर में जो खर्च करना होता है वो मैं करता हूं, लेकिन तुम्हें पैसे मांगने का बहाना चाहिए होता है बस। अच्छा बस रहने दे। तुम क्या समझती हो कि मुझे पता नहीं तुम मेरे वॉलेट से पैसे चुराती रहती हो? मैंने कभी उसका हिसाब मांगा? शर्म नहीं आती तुम्हें यूं चोरी करते हुए? आहिस्ता बोले, बाहर बच्चे बैठे हैं, सुन लेंगे। एक दो बारी तो निकाले। घर का खर्चा देता हूं ना मैं तुम्हें, तुम भी जरा हाथ खींच के खर्च करना सीखो। मैं पैसा मेहनत से कमाता हूं। ये घर में दो चार छोटे छोटे काम करने से पैसा नहीं आता। वैसे भी रुकैया बेगम तुम्हारी ख्वाहिशात खत्म होने का नाम नहीं लेती। शर्मिंदगी नहीं होती बार बार मुझसे पैसे मांगते हुए? अब नहीं मांगूंगी, वाकई अब शर्म आ रही है। तुम और शर्म। कहाँ रह गई हो, जल्दी आओ, देर हो रही है। आ रही हूं। अम्मी, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लें आप। आप अबू से पैसे मत मांगा करें। मैं नहीं चाहती कि आप छोटी छोटी बातों के लिए रोज जलील हुआ करें। बेटा, जिंदगी भर से यही होता आ रहा है। शुक्र करो कि घर का खर्चा ठीक से चल रहा है, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। क्या हुआ, जो खर्चा उनके हाथ में है वो सही तरह से देख तो रहे ना हर चीज को। रख लो। अम्मी, आप हर वक्त उन्हें ही डिफेंड करती रहती हैं। रखें आप ये पैसे, ये आपका घर है, काश कभी आप ये हक जता सकते। तुम मेरी जगह पर नहीं होना, होती तो तुम्हें पता चलता। इसीलिए नहीं हूँ मैं आपकी जगह पर। बस आप छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करो, पैसों के लिए मुझे कह दिया करो। तुम कितनी जिम्मेदारी वाली बातें करने लगी हो बेटा। खैर छोड़ें, ऑफिस के लिए मुझे देर हो रही है, शाम को आके मैं बात करती हूँ, ठीक है? शकूर, एक कप चाय दीजिएगा। एक्सक्यूज मी अमर, कोई काम है? हाँ। हैरत है, तुम्हें लोगों के कान भरने के अलावा भी कोई काम है? अमर, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तो अब तुम अपनी सफाई पेश कर रही हो? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपना काम अब बहुत अच्छे से करूँगी। लेकिन बस तुम प्लीज़ लोगों के सामने हमारे पर्सनल इशू को शो मत किया करो, प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू अमर। अफशीन और रिक्वेस्ट, व्हाट अ चेंज। अब तो सोचना पड़ेगा, लेट्स सी।
Thank you. By the way, Afshin, I miss you. Ever, अब तो मैं मेरे काम से कोई कंप्लेन नहीं होगी. कंप्लेन मुझे तुम्हारे काम से नहीं बल्कि तुमसे. तुम अच्छी तरह जानती हो कि चंद दिनों पहले जो हालात थे वो सिर्फ तुम्हारी वजह से थे. अहमद छोड़ो ना पुरानी बातों को, भूल जाओ. मैं अब बदल चुकी हूँ. अच्छा ठीक है, रात को मुझे कॉल कर, मुझे तुमसे बात करनी. ओके, मैं कॉल करूँगी. लेकिन प्लीज़ तुम मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना, प्लीज़. इस बारे में उसी वक्त डिस्कस करेंगे. श्योर. मुझे ये पकड़, ये पकड़ बिठा मेरे को. ओ छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे. ये पूछो को, ये मेरा लोना कोई काम भी करता है या इसी तरह टेलता रहता है? कर रहा है निजामी, कर रहा है. मैं इसी से काम लेता हूँ. मुझे माँ, 15 दिनों के बाद चैनल लॉन्च होने, मेरे को समझ नहीं आ रही है क्या होगा. हो जाएगा बाबा, हो जाएगा ना. ए लोगों का क्या होगा? अरे डैडी आप फिकर ना करें, मैं हूं ना. हाँ तू कहता है फिकर ना करो, ओ तेरे होने से तो सारी फिक्रे हैं. यार ताहिर तुम ही इन्हें समझाओ कि मैं जो है दिल लगा के काम कर रहा हूँ. आप आराम करें, ये सारे सब मसले जो है मैं संभाल लूंगा. आराम कीजिए, ये तेरे होने से बेआरामी होती है, मैं आराम किधर से कर लूंगा. निजामी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, लोगोस भी एक दो दिन में आ जाएंगे, लॉन्च अपने प्रॉपर टाइम पे होगी. वी कांट अफोर्ड डिलेज. ये अपने क्या नाम है, ये विकीलीक्स का क्या बना, तूने कोई पता किया? अभी तक तो नहीं, लेकिन पता चल जाएगा. सबको वॉर्न कर दिया मैंने सख्ती से. तो फिर मेरे पास क्या करने आया अगर सब कुछ तेरे को पता है? ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक हो गया. पुरसुकून एक बात मैं तेरे को क्लियर बता दूं, मेरे को पता चल गया ना कि ये लीकेज कौन कर रहा है तो मैं उसको जिंदगी से मेरा मतलब उसकी जिंदगी लीकेज कर दूंगा मैं. यार फिलहाल तो मेरी कमर लीकेज हुई हुई है. डोंट टेक स्ट्रेस निजामे, पता तो चलना ही है कि कौन है, चल जाएगा पता. यार स्ट्रेस क्यों ना लूं, मैं अपने लड़के की वजह से स्ट्रेस में हूं. बोल बाला.